धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार सुधीर शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं उनके ऊपर और जो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चौमुखी विकास किया है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतरी है। उन्होंने कहा कि उनको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी करेगी। एक प्रश्न के जवाब में सुधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा की अंतर्कलह का अपना आंतरिक मामला है और कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता का जो उन पर विश्वास है उन पर चुनाव लड़ रही है और भाजपा के अंदर क्या चल रहा है, वो कितने लमजोर हुए हैं या कितने ताकतवर हुए हैं उन पर कांग्रेस पार्टी का कोई फोकस नहीं है। आज कांग्रेस हाईकमान जो है वो सूची शाम तक जारी कर देगी और 21 तारीख को दोपहर लगभग 2 बजे नामांकन जो है वो मैं भरूंगा कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में धर्मशाला चुनाव क्षेत्र से। हमारे जो पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में विकास के कार्य धर्मशाला में हुए हैं उनके ऊपर और जो पूरे प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वांगीण विकास किया है उसके लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव में उतरी है और जिस तरह के हमें रुझान लोगों से मिल रहे हैं तो लगता है कि पुनः कांग्रेस पार्टी जो है वो सत्ता में वापसी करेगी। सर, जो भाजपा में जो कलह अंतर्कलह चली हुई है उसको क्या कांग्रेस को फायदा होगा? देखिए, वो उनका अपना आंतरिक मामला है। कांग्रेस जो है वो अपने कार्यकर्ताओं और प्रदेश की जनता में जो उसका विश्वास है उसके ऊपर चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, वो कितने कमजोर हुए हैं ताकतवर हुए हैं उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी का कोई फोकस नहीं है।